नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के उच्चतर स्तर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस कवि की कविताओं पर चर्चा करेंगे वे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। शिक्षार्थियों, आपने निराला का नाम तो अवश्य सुना होगा। सबसे पहले हम इनके बारे में संक्षेप में जानते हैं। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1867 में तत्कालीन बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जिसका नाम था महिषादल। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कुछ ही वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। परिवार में और भी अनेक संकट उनके समक्ष आए। कविता लिखने की उनकी शैली नई थी और संपादक प्रारंभ में ही उनकी कविता छापते नहीं थे, अतः उनके जीवन में आर्थिक अभाव बहुत बने रहे। निराला संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे तथा संगीत और दर्शन में भी उनकी बहुत रुचि थी। वे रूढ़ियों के विरोधी थे। उन्होंने हिंदी कविता को नया जीवन और नया मार्ग दिया। सन 1969 में उनका निधन हो गया। निराला की प्रसिद्ध रचनाओं की बात करें तो उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं परिमल, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, गीतिका आदि। शिक्षार्थियों, हिंदी साहित्य जगत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। निराला जिस युग में कविता लिख रहे थे उस युग में भारतीय समाज अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा किए जा रहे शोषण को देखकर निराला बहुत बेचैन होते थे। उनकी अनेक रचनाओं में ये बेचैनी और पीड़ा झलकती है। आज के इस कार्यक्रम में हम जिन दो कविताओं के बारे में चर्चा करेंगे वे हैं वह तोड़ती पत्थर। इस कविता में श्रमिक नारी के जीवन और उसके प्रति समाज की हृदयहीनता का अंकन किया गया है। और दूसरी कविता है मौन। इस कविता में कवि अपने प्रिय के साथ कुछ समय चुपचाप बिताना चाहता है। शिक्षार्थियों, क्या आप कभी प्रचंड गर्मी में, बहुत गर्मी में बाहर निकले हैं? शहरों में मध्य वर्ग के जो लोग हैं गर्मी में पंखा, कूलर, एसी जैसे उपकरणों के साथ घरों के भीतर बंद रहना पसंद करते हैं। जिनके लिए ऐसी सुविधाएं संभव नहीं होती वे भी कम से कम नीम, पीपल, जामुन जैसे किसी छायादार पेड़ के नीचे बैठकर गर्मी के दिन बिताना चाहते हैं। ऐसी आग बरसाती गर्मी में खुली सड़क पर काम कर रहे किसी मजदूर को आपने कभी देखा है? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह ऐसी प्रचंड गर्मी में क्यों काम करता है? वह आराम क्यों नहीं करता? अगर वह काम ना करे तो क्या होगा? तो भरी गर्मी में पत्थर तोड़ती एक श्रमिक स्त्री से हम मिलते हैं और इस कविता का शीर्षक है वह तोड़ती पत्थर। और यह कविता इस प्रकार है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन, भर बंध यौवन, नत नयन प्रिय, कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार। वह तोड़ती पत्थर कविता छायावाद के प्रमुख कवि निराला द्वारा रचित है और यह उनके कविता संग्रह अनामिका में संकलित है। सर्वप्रथम यह कविता सुधा मासिक पत्रिका में मई 1937 में प्रकाशित हुई थी। हमने कविता का एक अंश पढ़ा तो हम यह जान चुके हैं कि यह एक श्रमिक नारी पर लिखी गई है जो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है। कवि ने उसे इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम करते देखा, उसी का चित्र उन्होंने यहाँ पर अंकित किया है। इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम में लगी एक श्रमिक महिला को देखकर निराला जी ने लिखा है कि वह जहाँ बैठी काम में लगी है वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं है जो उसे गर्मी की प्रखरता से, उसकी तेज़ी से बचा सके। पर उसे इस स्थिति से कोई शिकायत नहीं है, वह तो इस स्थिति को स्वीकार कर रही है। आप सोचिए क्यों क्यों स्वीकार कर रही है? क्योंकि वह जानती है कि जब कठिन श्रम करना है तो अनुकूल परिस्थितियों की कल्पना करना व्यर्थ है। कवि की दृष्टि पहले श्रमिक महिला के
शारीरिक रूप सौंदर्य की ओर जाती है, उसका शरीर सांवला है। आपने देखा भी होगा कि धूप में काम करने वाले सभी श्रमिकों का रंग धूप में सांवला पड़ जाता है। वह युवती है और निरंतर श्रम करने के कारण उसका शरीर सुगठित है, यानी देह रचना सुडौल और सुघड़ है। उसकी झुकी आंखें बड़ी प्यारी लग रही हैं। उसका मन भी काम पर पूर्ण तन्मयता से लगा है। हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थरों पर चोट कर रही है, उन्हें तोड़ रही है। इसके बाद कवि परिवेश की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहा है। वे कहता है कि जहाँ एक ओर वह मजदूरनी गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे काम कर रही है, वहीं उसके एकदम सामने के परिवेश से संपन्नता और सुख सुविधा की झलक आ रही है। वहाँ सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, विशाल ऊंचे भवन हैं और उनके चारों ओर सुंदर दीवारें हैं। कविता की इन पंक्तियों में यह संकेत बिल्कुल स्पष्ट है कि वह संभ्रांत नागरिकों की बस्ती है। वे लोग सुख सुविधाओं के बीच बड़े बड़े भवनों में आराम से रहते हैं और आसपास की परिस्थितियों से बेखबर अपने आप में सिमटे हुए हैं, जबकि जिन मजदूरों ने उन भवनों का निर्माण किया है उनके पास मौसम की मार से बचने की कोई सुविधा तक नहीं है। शिक्षार्थियों, आप जानते ही हैं कि हम सर्वनाम का प्रयोग तब करते हैं जब पहले संज्ञा का प्रयोग कर चुके होते हैं। इस कविता में क्या आपने ध्यान दिया कि कवि ने कविता का प्रारंभ वह सर्वनाम से किया है। पूरी कविता में वह के लिए कोई नाम नहीं दिया गया है। कवि यदि चाहता तो मजदूरनी के लिए कोई नाम भी तो दे सकता था, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? पर नाम ना देकर वह यह व्यक्त करना चाहता है कि यह बात किसी एक श्रमिक विशेष पर नहीं है, सभी श्रमिकों पर लागू होती है। किसी भी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाली मजदूरी की जो कठिनाई है, जो उसकी कार्य परिस्थितियां हैं, वो सब एक सी हैं। इस तरह नाम महत्वपूर्ण नहीं है, तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है उसका काम, अर्थात पत्थर तोड़ना। तभी तो कवि प्रारंभ के वाक्य में ही कहता है, वह तोड़ती पत्थर। यहाँ व्यक्ति का नाम ना देने वाला कवि सड़क की पहचान के लिए नाम देता है। वह कहता है, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। यहाँ आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि नाम न देने से क्या अर्थ अधिक व्यापक नहीं हो जाता? यहाँ पथ पर के साथ इलाहाबाद नाम देकर उसने इस घटना को सच्चा और प्रामाणिक बताना चाहा है, जैसे वह कहना चाहता हो कि यह सच्ची घटना है और वह स्वयं इस घटना का साक्षी है। सभी कुछ उसके सामने हुआ है, यह इलाहाबाद की देखी हुई घटना है। अगले कथन में स्वीकार के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। जहाँ बैठकर वह काम कर रही है वह जगह छायादार नहीं है, पर उसे यह स्थिति स्वीकार है। यहाँ कवि का आशय यह है कि मजदूर जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वे उनके अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं। वे इन प्रतिकूल परिस्थितियों में ही रहते हैं। सांवले रंग का शरीर, बंधे परिपुष्ट अंगों से झलकता यौवन, कथन से क्या स्पष्ट हो रहा है? यही कि वह श्रमिक महिला सुंदरी है, लेकिन उसकी आंखों में कोई श्रृंगार, कोई उच्छृंखलता का भाव नहीं है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं, जो उसके शील भाव को दर्शा रही हैं। युवती के प्रसंग में कवि प्राय उसके प्रिय का उल्लेख करते हैं जिस पर उसका मन हो। यहाँ भी कवि उसके प्रिय का उल्लेख करता है, पर यह प्रिय कोई व्यक्ति नहीं है, वह है कर्म, पत्थर तोड़ने का काम। उसी पर उसका मन है, उसी पर उसकी आँखें। इसीलिए कवि ने कहा है, नथ नयन प्रिय कर्मरथ मन। अब हम देखते हैं कि इस प्रसंग में कवि उसके सामने तरु मालिका, अट्टालिका और प्रकार का उल्लेख क्यों कर रहा है। निराला ने इस पंक्ति के द्वारा परिवेश की विडंबना को साकार किया है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि एक ओर भीषण गर्मी में सड़क पर पत्थर तोड़ती औरत है और दूसरी ओर सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियों से सजे बड़े बड़े महल। कवि का उद्देश्य परिवेश के विरोध और विडंबना को साकार करना ही नहीं है, वह कहता है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। वह हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार कर रही है, पत्थरों पर ही नहीं बल्कि
सामने उन तरुमालिका अट्टालिका और प्रकारों की सुविधाओं का भोग करने वाले, वहाँ रहने वाले उन सभी लोगों पर और साथ ही साथ उस व्यवस्था पर भी जहाँ शोषित मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं और शोषक उनसे बिल्कुल बेखबर सुख सुविधाओं में रहते हैं। इसका अगला अंश हम पढ़ते हैं। आगे कवि ने लिखा है, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तम तमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। आप जानते ही हैं कि इलाहाबाद की किसी सड़क पर तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ती महिला के श्रम का चित्रण कवि इस कविता में कर रहा है। इन पंक्तियों में कवि कार्य की कठिनतर परिस्थितियों का चित्रण कर रहा है। दोपहर में धूप बढ़ने लगी है और गर्मियों के दिन हैं और तमतमाता सूरज अपनी प्रचंड गर्मी से सबको व्याकुल कर रहा है। यहाँ तमतमाता रूप प्रत्यक्ष में देखें तो दिन का है, पर इसे मजदूरनी के तमतमाए हुए चेहरे से भी जोड़ा गया है। ज़रा सोचिए, गर्मी के दिनों में क्या हाल होता है। गर्म लू के थपेड़े तो मानो मनुष्य को झुलसा देते हैं। कवि कहता है, इस समय धरती ऐसे तप रही है जैसे रुई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है। चारों ओर धूल का गुब्बार सा छा गया है, गर्द का एक एक कण चिंगारी सा जलने लगा है। अब तो दोपहर हो आई है, दोपहर में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में वह मजदूरनी सिर नीचा करके पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। इन पंक्तियों में निराला के शब्द चयन पर ध्यान दीजिए। इस प्रसंग को वह चढ़ रही थी धूप कथन से प्रारंभ करते हैं। धूप का धीरे धीरे चढ़ना अंततः उसका दोपहर तक पहुंचना है। प्राय हुई दोपहर, यहाँ प्राय का प्रयोग देखिए। दीन श्रमिकों के पास समय मापने के लिए कोई निश्चित उपकरण नहीं होते। धीरे धीरे चढ़ती बढ़ती धूप जब इतनी बढ़ जाए कि धरती जलने लगे, धूप के थपेड़े असहाय हो जाएं, गर्द गुब्बार उड़ने लगे, तो उन्हें लगता है कि लगभग मध्याह्न दोपहर हो गई। रुई जो जलती हुई भू में उपमा बहुत बेजोड़ है। रुई में लगी आग की लपटें दिखती नहीं हैं, वे धीरे धीरे भीतर ही भीतर सुलगती है। धरती का भी यही हाल है। शुरू में ऐसा लगता है कि रुई में कोई आग नहीं है और न ही लपटें उठती दिखाई देती हैं, पर गर्मी की अधिकता से पता चलता है कि आग लगी हुई है। ऐसा ही प्रयोग है गर्द चिनगी। दोपहर इतनी गर्म हो जाती है कि धूल का एक एक कण आग की चिंगारी सा जान पड़ता है। ऐसी चिंगारियों की गर्द पूरे आसमान में छा गई है। इस प्रकार पूरे अंश में गर्मी की प्रचंडता को अनेक प्रकार से साकार किया गया है। अगला अंश है, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं थी जो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघड़, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। कवि मजदूरनी को दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हुए देख रहा था। अब मजदूरनी ने भी देखा कि कोई उसे देख रहा है। उसे देखते हुए देखकर उसने सामने की अट्टालिका को देखा और देखने में उसका काम करने का क्रम थोड़ा सा विचलित हुआ, पर उसके मन में दीनता या ईर्ष्या जैसी कोई भावना नहीं उपजी। उसने कवि को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसने आतंक को सहा है, पर रोकर अपनी दीनता कभी प्रकट नहीं की। कवि को लगता है कि सितार को बजाने पर भी जो झंकार मैंने कभी नहीं सुनी थी, ऐसी झंकार मुझे उस मजदूरनी के श्रम और उसकी स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। पल भर उसका हाथ रुक जाने पर वह सुडौल युवती कांपी, उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी। इसके बाद वह पुनः अपने काम में लग गई। उसके पुनः काम प्रारंभ करने के अंदाज से कवि को लगा मानो वह कह रही हो
कि वह पत्थर तोड़ती है। यहाँ मैं तोड़ती पत्थर का व्यंग्यार्थ यह भी है कि मैं पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हूँ। शिक्षार्थियों, इस पूरे प्रसंग की विशेषताओं पर आप गौर करें। इसमें बिना संवादों के भी संवादात्मकता है, केवल आँखों से ही भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जा रहा है। पहले कवि मजदूरनी को देखता है, मजदूरनी कवि को देखती है और उसके बाद उस भवन की ओर देखती है। पुनः वह कवि की ओर स्वाभिमान और अपराजयता के भाव से देखती है। इस प्रकार देखने का मौन ही मुखरित हुआ है। वीणा की झंकार की कल्पना भी कवि ही कर रहा है। मजदूरनी का टूटा हृदय ही छिन्न तार है। अंत में मजदूरनी का मौन संवाद ही मुखरित हुआ है। कवि को लगता है जैसे वह कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर। शिक्षार्थियों, कविता के प्रारंभ में कथन था वह तोड़ती पत्थर और समाप्ति में है मैं तोड़ती पत्थर। क्या इन दोनों प्रयोगों के पीछे आपको कोई रहस्य महसूस हो रहा है? हाँ, एक रहस्य है कि प्रारंभ में वह सर्वनाम सामान्य मजदूर वर्ग के लिए है और कथन कवि का है, पर अंत में वह मैं में बदल गया है। जो मजदूर सामान्य का नहीं विशेष का द्योतक है, ऐसे मजदूर का जिसे सामाजिक विषमताओं का बोध है और अपने कर्तव्य तथा लक्ष्य का ज्ञान भी है। पत्थर पर हथौड़ा चलाती हुई मजदूरनी कहती है, मैं तोड़ती पत्थर, अर्थात मैं प्रत्यक्ष में तो सड़क के किनारे पड़े पत्थर तोड़ रही हूँ, पर मैं परोक्ष रूप से संवेदनशील समाज की विषमताओं को सह रहे अपने हृदय रूपी पत्थर को भी तोड़ रही हूँ और इस हृदयहीन पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ सकते हूँ। अब हम बात करते हैं इस कविता के भाव सौंदर्य की। शिक्षार्थियों, आप सहमत होंगे कि वह तोड़ती पत्थर कविता भाव सौंदर्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है। सड़क पर पत्थर तोड़ती मजदूरनी का वर्णन करते हुए कवि सरल शब्दों में परिवेश का निर्माण करता है। वह छायाहीन पेड़ तले बैठी है। उसकी पृष्ठभूमि साधारण श्रमिक परिवार की है, किंतु शील और सच्चरित्रता जैसे चारित्रिक गुणों को दिखाना भी कवि नहीं भूला। मजदूर और संपन्न दोनों प्रकार के लोगों का चित्रण करते हुए कवि ने परस्पर विरोधी चित्र खींचे हैं। एक ओर कठिनतम परिस्थितियों में काम करते श्रमिक वर्ग का चित्र है तो दूसरी ओर सुख सुविधा संपन्न भवनों में रहने वाले लोगों का। कवि की सहज सहानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ है। वह श्रमिक वर्ग के हाथों हृदयहीन व्यवस्था को ध्वस्त होते हुए देखने की कामना कर रहा है। आइए अब हम निराला जी की अगली कविता मौन पढ़ते हैं। यह कविता कुछ इस प्रकार है। बैठ लें कुछ देर, आओ एक पथ के पथिक से प्रिय अंत और अनंत के तम गहन जीवन घेर। मौन मधु हो जाए भाषा मुक्ता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में, जल बिंदु सा बह जाए सरल अति स्वच्छंद जीवन। प्रातः के लघुपात से उत्थान पतनाघात से रह जाए चुप निर्द्वंद। मौन शीर्षक कविता के रचयिता छायावाद के प्रमुख कवि निराला ही हैं। यह निराला ग्रंथावली भाग दो में संकलित कविता है। इस कविता में एक व्यक्ति अपने प्रियतम से कुछ क्षण शांति से मौन रहकर व्यतीत करने का आग्रह कर रहा है। कविता को ठीक से समझने के लिए आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि कविता किसे संबोधित है। इसमें कवि ने संबोधन किया है प्रिय। यह प्रिय कौन हो सकता है? पूरा कथन है एक पथ के पथिक से प्रिय, अर्थात प्रिय और संबोधित करने वाला मानो एक ही राह के राही हैं। वे सहयात्री हैं। ये दोनों मित्र भी हो सकते हैं और दो प्रेमी भी। महत्वपूर्ण है कि दोनों समान परिस्थितियों में जीवन यात्रा कर रहे हैं। इस कविता में अपने प्रिय पात्र से कहा गया है, हे प्रिय आओ दोनों कुछ देर के लिए बैठ लें। जीवन तो निरंतर गतिशील है, उस गतिशीलता में कुछ पल बैठकर स्वयं को विराम दें। हम दोनों एक ही जीवन मार्ग के पथिक हैं, अतः
इस जीवन के क्षणिक और स्थायी कष्टों को और अंधकारों को घेर कर कुछ देर बैठ लें। यहाँ कवि ने तम गहन जीवन घेर क्यों कहा? उसे घेर कर बैठने की चाह में जीवन यात्रा को याद करने की चाह छिपी है। कवि चाहता है कि दोनों चुपचाप बैठे रहें। घेर में यह व्यंजना है, आओ जीवन के गहरे अंधेरे को, असफलताओं को घेर कर बैठें, उन पर चुपचाप मनन करें। आप जानते ही हैं कि भाषा की एक सीमा होती है, परंतु मौन की शक्ति असीम है। क्या प्रत्येक बात बोलकर समझाई जा सकती है? नहीं, कुछ बातें अनकही अधिक स्पष्ट होती हैं। इसलिए ही मौन रहकर वह सब भी समझा जा सकता है जिसे भाषा नहीं समझा पाती। मौन मधु सा मीठा कब हो सकता है? एक दूसरे के भावों को कैसे समझा जा सकता है? मन की उपमा किसे दी गई है? जैसे बूंदे नदी में चुपचाप बह जाती हैं, वैसे ही हमारा मन जीवन के विशाल प्रवाह में बूंदों सा चुपचाप बह जाए और हमारा जीवन कैसा हो? सरल और बंधनों से मुक्त हो, अपने वश में हो, वह उत्थान और पतन की चोटों को ऐसी सरलता से सह जाए जैसे प्रातःकाल की वायु से छोटे छोटे पत्ते कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं और झोंकों को चुपचाप सहते रहते हैं, अर्थात हिलते डुलते दिखाई देते हैं। ऐसे ही हम जीवन के उतार चढ़ावों को झेलते हुए भी निर्द्वंद्व अर्थात तनाव मुक्त बने रहें। निर्द्वंद्व होना किसे कहते हैं? न सुख में इतराए न दुख में घबराए, दोनों स्थितियों में अंतर न रहना ही निर्द्वंद्व होना है। कवि ऐसे ही निर्द्वंद्व जीवन की कामना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि तभी जीवन बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद हो सकेगा, सुखी हो सकेगा। शिक्षार्थियों, कवि के इन भाषा प्रयोगों पर ध्यान दीजिए। बैठ लें कुछ देर में कवि ने कुछ देर पर अधिक बल दिया है। जीवन की भागदौड़ और आपाधापी में कुछ देर मौन बैठकर चिंतन करना जीवन यात्रा के लिए स्फूर्ति दे सकता है। आओ में बड़ा ही स्पष्ट और अनौपचारिक आग्रह है। अंतरंगता और निकटता में ही इस क्रियापद का प्रयोग होता है। यहाँ भी आओ के बाद एक पथ के पथिक से कहकर वह अंतरंगता उजागर कर दी गई है। मौन के मधु हो जाने की कल्पना भी आप देखिए बहुत बेजोड़ है। मधु की मिठास वाणी से बताई जाती है। कवि उस मधु का अनुभव करने को तो कहता है, पर भाषा की चुप्पी की आड़ में कर देना चाहता है। सरलता की बाढ़ प्रयोग भी दर्शनीय है। मन में असरलता कटुता का भाव हो तो जीवन दुभर हो जाता है। सरलता की अधिकता के लिए उसने सरलता की बाढ़ कहा है। सरलता की बाढ़ आएगी तो मन उसमें बूंदों सा बह जाएगा। अगले वाक्य में कवि पुनः सरल शब्दों का प्रयोग करता है। यहाँ ये पंक्तियाँ जीवन का विशेषण बनकर सामने आई हैं। ऐसा सरल जीवन उत्थान और पतन को भी सरलता से झेल लेगा। झेलेगा ही नहीं, ऐसी परिस्थितियों में वह शांत और स्थिर भी बना रहेगा। अब हम बात करते हैं इस कविता के भाव सौंदर्य की। मौन शीर्षक कविता में बहुत थोड़े शब्दों में जीवन में मौन के महत्व को प्रतिष्ठित किया गया है। जीवन की आपाधापी से कुछ क्षण निकालकर वाणी को विराम देने और मौन की मिठास का अनुभव करने का आग्रह कवि अपने साथी से कर रहा है। कवि का विश्वास है कि जीवन में सरलता होनी चाहिए। जीवन सरल हो तो उत्थान और पतन दोनों के आवेगों को सरलता से झेला जा सकता है। अब हम बात करते हैं इन कविताओं के शिल्प सौंदर्य की। शैली और शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से निराला की ये दोनों रचनाएं बेजोड़ हैं। मैं तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी रचना है। सर्वप्रथम कविता के छंद पर ध्यान दीजिए। परंपरागत छंदों में मात्रा और वर्ण का निश्चित विधान होता है, पर निराला की अनेक कविताओं में ऐसा बंधन नहीं है। इसे मुक्त छंद कहते हैं। कविता को छंद के बंधन से मुक्त करने में निराला का बहुत बड़ा योगदान है। वह तोड़ती पत्थर में तुकांतता है, तुक पंक्तियों के अंत में ही नहीं भीतर भी है, पर उसका बंधन नहीं है। पंक्तियाँ छोटी बड़ी हैं पर उनमें प्रवाह है। जैसे श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ
करती बार बार प्रहार। चढ़ रही है धूप, गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। कवि शब्दों के द्वारा हमारे सामने एक चित्र सा खींच देता है, जैसे कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठकर हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत्मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। शब्द प्रयोग में भी कवि ने बड़ी कुशलता का परिचय दिया है। कम शब्दों में ही अधिक गूढ़ अर्थ का संकेत करना निराला की विशेषता है। जैसे देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, मैं तोड़ती पत्थर, या मौन मधु हो जाए, ऐसे ही प्रयोग हैं। निराला जिस युग में कविता कर रहे थे उसमें प्राय संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग का चलन हो गया था। प्रसाद, पंथ, महादेवी आदि की भाषा तत्सम प्रधान है, पर निराला का भाषा पर ऐसा अधिकार है कि वे संस्कृत निष्ठ और सरल हिंदी के शब्दों का प्रयोग आवश्यकतानुसार करते हैं। मौन कविता में तत्सम शब्दों की प्रधानता है, पर वह तोड़ती पत्थर कविता की भाषा बड़ी ही सरल और बोलचाल की है। परंतु इसमें भी कवि जहाँ इन लोगों की बात करता है जो समाज की सुख सुविधाएं भोग रहे हैं, तब वह तत्सम शब्दावली का प्रयोग करता है, जैसे तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। अब हम मौन कविता के शिल्प सौंदर्य की चर्चा करते हैं। मौन कविता एक गीत है, इसमें छायावादी शिल्प विधान है और कवि की मौलिक कल्पना बड़ी अनूठी है। ये पंक्तियाँ हम देखते हैं। मौन मधु हो जाए भाषा मुक्ता की आड़ में, मन सरलता की बाढ़ में जल बिंदु सा बह जाए। तो इस प्रकार शिक्षार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में हमने निराला की दो कविताएं पढ़ी, समझी और उनके भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य पर चर्चा की। आइए एक बार दोहरा लें कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा कि वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने मजदूरनी के माध्यम से शोषक और शोषितों के जीवन की विषमता का चित्रण किया है। तो मौन कविता प्रेमी युगल के संदर्भ में मौन का महत्व समझाती है। वह तोड़ती पत्थर कविता में कवि ने बताया है कि मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मन लगाकर काम करते हैं, पर उन्हें शोषकों के अत्याचारों और विषमताओं का बोध है। वे स्वाभिमान से जीना चाहते हैं और यह क्षमता भी रखते हैं कि वे अपने हथौड़े से इस पत्थर दिल व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न कर सकें। मौन कविता के कवि कुछ क्षणों के लिए अपने प्रिय के साथ एकांत में चुपचाप बैठना चाहता है। ऐसे में मौन ही मधु सा मीठा लगने लगता है, वाणी मूक हो जाती है और मन प्रवाह के साथ पानी की बूंद सा बहने लगता है। भाव और भाषा की दृष्टि से दोनों रचनाएं बेजोड़ हैं। मौन कविता में छायावादी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं और वह तोड़ती पत्थर में प्रगतिवादी। दोनों कविताओं में शब्दों का बड़ा ही प्रासंगिक प्रयोग दिखाई पड़ता है। तो शिक्षार्थियों, आज के इस कार्यक्रम में हमने यह चर्चा की। आशा है आपको इससे निराला की कविताओं को समझने में मदद मिलेगी और आपको ये कविताएं स्पष्ट हुई होंगी। धन्यवाद।